तो गाइस दिखाते हैं आपको इंदौर सिटी एक्सप्रेस। हाँ चैनल है यू, इसने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय बाबा की, राम राम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर फूडी। सो आज हम जा रहे हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ट्रेन की जर्नी। हमारी ट्रेन है इंदौर सिटी, जो कि नई दिल्ली से और इंदौर तक जाएगी, बट उससे एक स्टेशन पहले हम महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, यहाँ का फूड एक्सप्लोर करेंगे और बाकी ट्रेन की जर्नी पूरी ब्लॉग टाइप होगी। और बने रहना वीडियो के एंड तक, बाबा महाकालेश्वर के दर्शन भी आपको इसी वीडियो में होंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, हमारी ट्रेन आज बहुत साफ सफाई हो गई है, पहले से बहुत अच्छा है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, लोग काफी कम हो गए पहले से, अब ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। और शायद मतलब बोल सकते हो, मेरा नाम है प्रदीप, मैं हूँ रोहतक हरियाणा से। हरियाणा वाले भाई, मैंने इतना ही बोलना है, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये ट्रिप इसलिए भी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये हमारे स्कूल के फ्रेंड्स से जा रहे हैं और काफी टाइम बाद हमारा कोई ट्रिप बना है ऐसा। तो ये हमारे जतिन भाई, ये हमारे आकाशदीप भाई, इनकी वजह से थोड़ा हम लेट हो गए आज। ये हमारे बजरंग दल के भाई ललित भाई हमारे। तो ऐसी वीडियो में मस्ती मजाक चलती रहेगी। बाकी अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा फूड का है, तो फूड ब्लॉगिंग हम करेंगे। तो भाई टाइम था हमारा 9:50 का टाइमिंग था हमारा और 9:55 में ट्रेन निकल चुकी है हमारी। पाँच मिनट लेट चले गए हैं। हमारे आलू के पराठे जो कि ललित भाई लेके आए, देख रहे हो भाई घर के पराठे कितने बढ़िया लग रहे हैं। अरे आलू का मेन पराठे। अच्छा, आलू की कमी है। जतिन भाई बता रहे हैं आलू की कमी है इसके अंदर। ललित भाई ठीक है ये बात? अरे बहुत बढ़िया, शाही पनीर कितनी। इसमें क्या है भाई, कुछ तो कुछ खास होगा इसके अंदर, देखते हैं इसमें क्या है। चावल चावल नहीं है वैसे भाई, ये क्या बड़ी देर से देख रहा हूँ, समझ नहीं। आलू की तो भाई ये चावल नहीं है, ये आलू की सब्जी है, आलू की पिट्ठी मतलब सब्जी टाइप ही होता है ना, ये चोखा चोखा जो बिहार में बनता है वो वाला चोखा। हमारे घर का खाना, मेरे घर के सबसे स्पेशल होते हैं हमारे घर के चावल, तो ये आलू वाले चावल हैं, बड़े बढ़िया होते हैं ये खाने में। भाई ये है सब्जी आलू की, बाइट बनाते हैं और टेस्ट बताते हैं भाई को, जितिन भाई को। आप ये बनाते होते बहुत ही बढ़िया बना रहे थे आंटी जी, और ये आलू की सब्जी जिसकी भी थी तुम्हारे। तो भाई नागदा स्टेशन आ चुके हैं हम और अभी ट्रेन निकलने वाली है हमारी, और अगला स्टेशन होगा महाकाल उज्जैन। भाई नागदा का सबसे फेमस चीज़ आ गई है पोहा, पोहा है हमारा और पोहा के साथ में चाय, इसमें स्पेशल वाली कोई बात वैसे है नहीं, सुनो प्याज निकल जाए तो दूसरी बाइट शायद मैं लूँगा भी नहीं। नागदा जी चाय है, चाय की जिसकी लेते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट क्या है। तो भाई ये चाय थोड़ी और बेटर हो सकती थी अगर इसमें थोड़ा दूध की क्वान्टिटी ज़्यादा होती, बट अकॉर्डिंग टू दी रेलवे चाय बेटर होती, पहले से बेटर है काफ़ी। तो भाई बिल्कुल ऑन टाइम पे इस ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया है हमारे डेस्टिनेशन तक, उज्जैन जंक्शन हम उतर गए हैं। अब महाकालेश्वर तक के लिए हम ऑटो करेंगे। महाराज की जय।